हाफिज, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे एपिसोड 87 का पहला पार्ट। तो बिल्कुल पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा कि एकदम से भाई महादेव जी आ गए थे भाई इधर, तो अब करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। परंतु इन दोनों में से मेरे मामा कौन है? अरे रे रे बहन जी, आप बता ही दीजिए ना कि यही है सुकर्ण के मामा। सुकर्ण, ये है तुम्हारे मामा। मामा आ गए। इधर लोगों को भी खुश कर। आने में इतना विलंब क्यों किया? पता, मां प्रतिदिन आपको याद करती थी। और मुझे चिपकर रोती भी थी। इमोशनल कर दिया बच्चे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने लाया हूं। ये देखो, आज महादेव ने मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा कि मेरे मामा को आज घर भेज दीजिए। सती, चलो नदी किनारे चलते हैं, पुष्प विसर्जन करने। इससे तुम्हारा मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। चलो। पति की ऐसी दशा का कारण केवल शिव से वियोग है। अब मैं उसे यहाँ वापस नहीं आने दूंगी। मेरी सहायता कीजिए। अच्छा। तुम्हारे मृत भाई को जीवित कर मैं संसार चक्र में व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकता। परंतु एक बालक के मन को बहलाने के लिए उसका मामा बनकर तो आ ही सकता। हाँ, कर दिया भैया। आज के पश्चात
महादेवी तुम्हारे भाई हैं बहन। और जब भी सुकर्ण को अपने मामा की आवश्यकता पड़ेगी उसके मामा अवश्य आएंगे। अपने आप को संभालो भाई और हमें जाने की आज्ञा दो। महादेव आप अपनी बहन के घर में भोजन करके नहीं जाओगे? बहन हमारा जाना अति आवश्यक है, हम फिर कभी आएंगे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा मामा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मामा को जाने दो बेटा, वो बहुत व्यस्त है। नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अरे 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 सुकर्ण, यदि मामा जाएंगे तभी तो मामी आएगी। मामी? हाँ तुम्हारी होने वाली मामी, जिनका विवाह इनसे होने वाला है। नकली जी अपनी सुना, हम उन्हें मनाने जा रहे हैं क्योंकि वो इनसे बहुत रूठी हुई है, इसलिए वो उनको मनाएंगे, फिर तुम्हारे मामा तुम्हारे मामी के साथ तुम्हारे घर आ जाएंगे, फिर तुम अपने मामी के साथ भी खेल सकोगे। समझ गए ना? तब तो मैं भी मामी को लेने चलूंगा। ओ देखो तुम मानते ही नहीं हो, मैंने कहा ना वो इनसे बहुत रूठी है। और पता है वो बहुत बड़े राजा की बेटी है और बहुत ही नकचड़ी विचित्र है, वो ऐसे किसी से भी मानने वाली नहीं, इसलिए तुम हम दोनों को वहां जाने दो, ठीक है ना? तुम ये लड्डू खा लो। ये लड्डू ये आप रखिए। कर रहे हैं दीदी, चलिए ना घर वापस चलते हैं। अब तुम्हें घर नहीं जाना है सती, कुछ क्या होने वाला है? सती चलो हम उस ओर विचरण करने चलते हैं, मैं किसी मांझी को ढूंढ कर लाती हूँ। कथा कहानी से तुम्हारा कोई सारोकार नहीं होना चाहिए, ये लो अपना परिश्रम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें केवल सती को लेकर जाना है, मुझे यही किनारे पर उतार देना, किंतु सती को तुम्हें बहलाकर कैलाश पर पहुंचाना। याद रहे यदि सती को तनिक भी हानि पहुंची तो मैं प्रजापति को बता दूंगी कि तुम उसे लेकर गए थे, और ऐसे में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या होगा ये तुम भली भांति जानते हो। अब बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कैसे भी करती उन्हें कैलाश तक पहुंचा दूंगा।
लो भाई एकदम से तो इधर इतनी देख ले वो भाई अपना क्या करने वाली है कि एक बार से उन्होंने चीज़ें ही पलट दी हैं कि भाई क्लाश पर भेजने की बातें कर रही है सती जी को। लेकिन दूसरी तरफ सबसे पहले जो चीज़ है ना भाई वो ठीक है कि जैसा कि आप देख लें कि महादेव जी और भाई जाकर एक बार उनसे मिले और एक बार बच्चा भी खुश हो गया और अपना भाई भाई भी बन गया मामू भी बन गए वहाँ बहन भी एक बन गई तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जाकर बच्चे को भाई ये खिलौने दिए खाने को चीज़ें दी तो काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन ये कि अब आगे देखना ये है कि नेक्स्ट बहुत भाई कि जैसा प्रजापति हैं कि वो सती जी को साथ भेजते हैं या नहीं भेजते वो बड़ा पॉइंट है। लेकिन उससे पहले तो इधर भाई देख ले क्या हो रहा सही है क्या बात है नहीं भाई। भाई। एक महादेव जी ने उधर एक बच्चे का दिल अच्छे तरीके से बुलाया और एक मतलब के एक सही बात बोली है कि अगर मैं आपके आपके मतलब के भेज देता था उसके मामू को क्योंकि उसकी मृत्यु हुई हुई है तो लोग हर मुझसे यही डिमांड मांगते और यही वरदान मांगते कि जो भी हमारे एक मतलब के परिवार की किसी की एक मृत्यु हुई या आप उनको वापस भेज दें हाँ तो वो एक निज़ाम नहीं ठीक रहना था। संसार का सिस्टम हाँ एक बिगड़ हाँ जाना तो इसलिए भाई एक अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया हर चीज़ बच्चे का भी दिल बहला दिया है और एक मतलब के बच्चे की माता को भी हर चीज़ समझा दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि इस साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो सती जी को भाई उनकी सिस्टर ले तो आई है लेकिन आगे उनका प्लान यही है कि इनको मैं कैलाश की तरफ भेज दूं और खुद वापस चली जाऊं ताकि ये जो है ना वहाँ पे जो एक उलझन बनी हुई है उससे जो है ना उसको छुटकारा हासिल हो जाए। मतलब कि हर वक्त की परेशानी जिस तरह सती जी खुद अपने आप को जो है ना वो मतलब एक संभाल नहीं पा रही आए दिन उनको कोई ना परेशानी कभी बेहोश होकर गिर रही है कभी इस तरह के मसले मसाइल हो रहे हैं तो वो तो एक तरह से उनका फ़ायदा सोच रही है लेकिन ऊपर से भाई देखो एक मगरमच्छ ने हमला भी कर दिया हाँ और सती जी बिल्कुल अपना मगन थी उनको कोई समझ नहीं लगा। नहीं अब लेकिन ये लास्ट पर अब उन्होंने देखा कि एकदम अब से ऊपर वो से आवाज़ आई है अब बहुत पता नहीं किसकी आवाज़ है। हाँ वो बहुत हाँ नज़दीक आ गया था भाई एकदम से। लेकिन देखते हैं तो क्या होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय टेक केयर।